अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट विलेज लाइफ इन पाकिस्तान। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि हम इस वक्त मौजूद हैं सरसों के खेत में और यहाँ इतनी अच्छी बिल्कुल एकदम DDLJ वाइब्स आ रही हैं। ऐसा लग रहा है मैं शाहरुख खान और भाई बार बार DDLJ वाला म्यूज़िक मेरे कानों में बज रहा है। आई होप आपको भी आवाज़ आ रही है। नहीं आ रही? अब तो आ रही होगी यार। ये वाले जो हैं ये मैंने इनसे पूछा तो बता रहे हैं ये वाले जो हैं ये सौंफ का पौधा है। अब सौंफ तो कहीं दिख नहीं रही भाई। सौंफ होती है पता नहीं क्या होती है। ये वाले उसके पौधे सारे। तो जी अभी इसमें सौंफ उगी भी नहीं है बट इसमें जो अभी जो खुशबू आ रही है ना वो इतनी रिफ़्रेशिंग आ रही है। बिल्कुल जैसी सौंफ की होती है खुशबू उस तरीके की आ रही है इसमें से खुशबू। बहुत अच्छी और रिफ़्रेशिंग है। तो भाई अब इस पतले से रास्ते पे चलते हुए हम जा रहे हैं ट्यूबवेल की तरफ। तो ट्यूबवेल के बारे में एक बात बता दें, इसमें गर्मियों में जो है गर्म पानी, गर्मियों में ठंडा पानी आता है और सर्दियों में जो है वो गर्म पानी आता है। तो भाई मुझे तो ये बात आज पता चली है, बाकी सबको शायद पता हो। तो मतलब यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है इस वक्त, सर्दियाँ हैं और यहाँ पर इतना मज़ेदार किस्म का गर्म पानी आ रहा है। तो भाई ये है अमरूद का दरख्त और इस पर बड़े अच्छे अमरूद लगे हुए हैं बट द बैड थिंग इज़ कि अमरूद अभी कच्चे हैं। बट द गुड थिंग इज़ ये कच्चे अमरूद भी इतने मज़ेदार मीठे हैं कि हमें बहुत मज़ा आ रहा है इनको खाने में। हम इस दरख्त को देख के बस पागल हो गए हैं और हम इस पर से अमरूद तोड़े जा रहे हैं। अभी मैं अपने लिए एक अच्छा सा अमरूद ढूँढ रही हूँ। तो अब मुझे अमरूद मिला है और ये है मेरे नाना और अब ये हमें अमरूद तोड़ के दे रहे हैं। ये हमने तोड़ा है अमरूद, अब हम इसको जाके ट्यूबवेल में धोएंगे। आओ उमर अमरूद धोने चले। ओ मेरा दुपट्टा, मैं धोती हूँ। कच्चा है। दिखाओ तो सही। बहुत कच्चा है। खाने के काबिल है ये। लाओ ये हमने धोया है अमरूद। तो जी अब हम जा रहे हैं, हम जिनके खेतों में आए हुए हैं ना वो मेरे नाना के कज़न हैं तो उनका यहाँ खेतों में ही उन्होंने घर भी बनाया हुआ है अपना। तो अब हम उनके घर जा रहे हैं। तो जी अब मैं उनके घर की छत पर हूँ और यहाँ से बड़े कमाल के व्यूज़ दिख रहे हैं, पूरे सारे खेत दिख रहे हैं और इतनी ग्रीनरी दिख रही है, इतना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। सामने नहर भी है इतनी बड़ी। तो भाई यहाँ हम मिले हैं मिस्टर हैं पता नहीं मिस हैं, मिस बत्तख से। और ये पता नहीं क्यों इतने गुस्से में बैठी हुई हैं, मुझे तो वैसे इनसे पहले ही बहुत डर लगता है। तो जी यहाँ मुझे इतनी एक कमाल चीज़ दिखी है, मतलब इन्होंने बनाया हुआ है एक इनक्यूबेटर टाइप, एक मशीन टाइप बनाई हुई है। तो इसमें जो है बिल्कुल टेम्परेचर वगैरह भी सेट है, सब कुछ है यहाँ पर। अंदर एक छोटा सा फैन भी लगा हुआ है। तो इसमें जो है ये क्या करते हैं, ये जो है ना वो अंडे जो है वो रखते हैं उनको, जैसे कि से इनक्यूबेट करते हैं इस टाइप की और फिर उसमें से जो है चूज़े निकलते हैं। तो बड़ी कमाल चीज़ दिखी है भाई यहाँ पे। तो जी इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। तो मुझे यहाँ इतना मज़ा आया, मैंने वह इतना इन्जॉय करा, मतलब बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा कि मैं थक भी बहुत गई थी और एंड में बिल्कुल मुझे याद ही नहीं रहा, मैं इतना भूल गई कि मुझे वीडियो भी एंड करनी है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अल्लाह हाफिज़।